और आप पूरे दिन भर से देख रहे हैं सत्ता संग्राम 2023। आपको बता दें छत्तीसगढ़ विधानसभा के लिए दूसरे चरण की 70 सीटों पर मतदान खत्म हो चुका है। अब 3 दिसंबर को होने वाली मतगणना पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। दूसरे चरण की 70 सीटों पर 958 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे। इसके पहले दोपहर 3 बजे नक्सल प्रभावित इलाकों में 3 बजे वोटिंग पूरी हुई है। छत्तीसगढ़ में पहले चरण का मतदान 7 नवंबर को हो चुका है। छत्तीसगढ़ में कुल 68.15% वोटिंग हुई है। वहीं मध्य प्रदेश विधानसभा की बात की जाए तो 230 सीटों पर शाम 6 बजे तक मतदान हुआ है। प्रदेश में 2533 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो गया है। एमपी में कुल 71.20% मतदान हुआ है। तो लगातार जो है मतदान की प्रक्रिया आज दिन भर चली है और उस पर अब विराम लग चुका है, ब्रेक लग चुका है। आपको बता दें तो जहां छत्तीसगढ़ में 68.15% मतदान हुआ है, तो वहीं एमपी में 71.2% बात करें तो 20% मतदान हुआ है। तो आपकी टीवी स्क्रीन पर ये 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर आज दिन भर चुनाव प्रक्रिया नहीं मतदान की प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती रही है। आप देख सकते हैं बैतूल की तस्वीर, फिर खरगोन की, उसके बाद जो है आगर मालवा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और छत्तीसगढ़ का देखिए 2023 का जो संग्राम है सत्ता संग्राम। देखिए आप पहली तस्वीर जो है अरुण साव इसमें दिख रहे हैं वोट डालते हुए, अमरजीत भगत वोटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। तीसरी तस्वीर में सत्यनारायण शर्मा नजर आ रहे हैं और चौथी तस्वीर में रंजना साहू धमतरी विधायक और पांचवी तस्वीर पर योगेश्वर सिन्हा और छठवीं तस्वीर पर जो है गुलाब सिंह राज वोटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए धर्मलाल कौशिक यहां पर मतदान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अरुण साव भी यहां देख सकते हैं कि कैसे उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। ओपी चौधरी देख सकते हैं कि उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया रायगढ़ विधानसभा सीट में और नारायण सिंह चंदेल उन्होंने भी अपने मताधिकार का आज बखूबी प्रयोग किया है। और बात करें अमरजीत भगत जो कि पांचवी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं,